सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का गर्ल्स फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो फ्रेंड, आप लोग मेरे स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही फोटो मैं एडिटिंग करके आपको सिखाऊंगा सिर्फ स्नैपशीट एप्लीकेशन से। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कितना खतरनाक और सी वी एडिटिंग कैसे किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे स्क्रीन पे बने रहिए लास्ट तक, और लास्ट तक बने रहिएगा तो अभी आपका फोटो इस तरह का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी में मैंने फोटो एडिटिंग किया। तो चलिए फ्रेंड, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं आ गया स्क्रीन पे, आप लोग भी देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, इस ऐप को आप ओपन करना है, फ्रेंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने फोटो को ले लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टूल वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टूल इमेज पर सबसे ऊपर लिखा है, उस पर क्लिक करना है। फ्रेंड, टूल इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेना है इतना। फ्रेंड, इतना करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस। फ्रेंड, इतना फिर से करने के बाद थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको भी थोड़ा बढ़ा लेना है इतना। और फ्रेंड, इतना करने के बाद शेडो को प्लस इतना कर लेना है, इतना कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद हाईलाइट को माइनस में कर लेना है इतना, और इसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा माइनस में कर लेना है 2-3% के आसपास। फ्रेंड, इतना करने के बाद यहाँ से आपको डाउन कर देना है। फ्रेंड, डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से टूल वाला ऑप्शन पे आना है और आपको नीचे आना है। फ्रेंड, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डबल एक्सपोजर को ऑप्शन दे रहा है, फिर इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड अपना बैकग्राउंड को ले लेंगे। फ्रेंड, बैकग्राउंड को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आना है, आप लोग देख सकते हैं इस वाले पे। फ्रेंड, इस वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, पूरा सैचुरेशन को फुल कर देना है। फ्रेंड, फुल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउन कर देना है। फ्रेंड, डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इस और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। फ्रेंड, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको व्यू एडिट पर क्लिक करना है। फ्रेंड, व्यू एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इस बीच वाले पे इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे फुल कर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा फुल कर देना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, चलिए मैं आपको आराम आराम से इरेज करना है, आप लोग देख सकते हैं पूरा फुल कर लेना है 100 तक और इसको इरेज करना है, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, आपको यहाँ से इरेज कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे वैसे कर लेना है। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको क्या करना है, डाउन कर देना है। फ्रेंड, डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा ब्रेक आ जाना है। फ्रेंड, ब्रेक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर टूल वाले ऑप्शन पे आना है। फ्रेंड, टूल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फिर से डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है। फ्रेंड, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करने के बाद फिर प्लस वाले पर क्लिक करके और फ्रेंड आपको क्या करना है, इस वाले PNG को आपको ले लेना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फुल कर देना है। सॉरी फ्रेंड, इतना रहने देना है और इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से एड वाले पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, एड वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है।
फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ से डाउन कर देना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से डाउन कर देना है। फिर डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इस वाले ऑप्शन पे आना है। फिर इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से व्यू एडिट पे आना है। फिर व्यू एडिट पे आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस वाले ऑप्शन पे आके, इस वाले ऑप्शन पे आके आपको क्या करना है, ऐसे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपने चेहरे पर चलाना है, जहाँ जहाँ आपको नहीं चाहिए वहाँ वहाँ आपको चलाना है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इतना होने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, डाउन कर देना है। फ्रेंड फिर से आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। फिर से इस वाले बैक वाले ऑप्शन पे आना है। फिर से बैक वाले पे आने के बाद यहाँ से टूल वाले पे आना है। फ्रेंड टूल वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से डबल एक्सपोजर पे आना है। फिर फ्रेंड डबल एक्सपोजर पे आने के बाद फिर से एड फोटो पे आना है। फ्रेंड एड फोटो पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पीएनजी को ले लेना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको पूरा ओपेसिटी को फुल कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, सबट्रैक्ट पे, और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको डाउन कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इस पे आना है और भी एडिट पे आना है। फ्रेंड डबल एक्सपोजर पे आने के बाद यहाँ से अपने ब्रश को ले लेंगे और फ्रेंड क्या करेंगे, अपने कपड़े पे चलाएंगे इसे इसे। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और टूल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ब्रश वाले ऑप्शन पे आना है। फ्रेंड ब्रश वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने लिप्स पे चलाना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरे लिप्स पे कैसे कैसे चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डाउन कर देना है। फ्रेंड अब आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फिर से फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पे आना है, टूल वाले पे। फ्रेंड टूल वाले पे आने के बाद सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आना है। फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इसे आप लोग देख सकते हैं, इतना कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको डाउन कर देना है। फ्रेंड आप क्या करना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको टूल वाले पे आना है और यहाँ से सिलेक्टिव वाले पे आने के बाद आपने यहाँ से अपने फेस पे जहाँ जहाँ मतलब थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए और फेस को थोड़ा गोरा करना है उसको आपको थोड़ा इतना बढ़ा लेना है, देख आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस कंट्रास्ट को थोड़ा माइनस में कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं इतना। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है इतना। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा इधर आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिटेल पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सरपेयरिंग को थोड़ा बढ़ा लेना है इतना। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको डाउन कर देना है, आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कैसा हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो HD क्वालिटी में बन चुका है। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से स्पॉट वाले पर क्लिक करके आपको अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो बन चुका है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले।